ऑटो एक्सपो में बहुत ही खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं, और जैसे कि नई नई कार लॉन्च होती हैं, नई नई चीजें लॉन्च होती हैं, नई नई बाइक्स लॉन्च होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, लेकिन कुछ बेहद खूबसूरत चीजें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती हैं। उन्हीं में से एक है कार्टिस। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कारों को डिजाइन किया हुआ है। ये कारों को वेस्ट से रीडिजाइन करते हैं, उनके पार्ट से वो अलग अलग टाइप के फर्नीचर्स भी बनाते हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंग को रीस्टोर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये पुरानी कारों को रीस्टोर करके उनको क्लाइंट्स को वापस कर देते हैं। तो आज हमारे साथ कार्टिस खुद मौजूद है, जिनका नाम है हिमांशु। सर, स्वागत है आपका हमारे पास। तो आप हमें बताइए कि बेसिकली आप लोग ये कैसे करते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ? थैंक यू फर्स्ट टू कमिंग टू कार्टिस पवेलियन एंड वी वेलकम ऑल योर व्यूअर्स। हम लोगों ने इसको स्टार्ट करा कुछ साल पहले, और द आइडिया वॉज टू सपोर्ट द यंग आर्टिस्ट। और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कैसे हम पुरानी गाड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए सस्टेन बाय कार्टिस हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग पुराने कबाड़ को, जो पुराना गाड़ी का कबाड़ होता है, उसको हम डिज़ाइनर फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज है, और ऑटो एक्सपो में हम स्पेशली दो गाड़ियाँ लाए हैं जिसको हमने रिसेंटली रिस्टोर करा है, और उसके ऊपर हमने किताब लिखी है, द आर्ट ऑफ रिस्टोरेशन, विच विल बी गिविंग अ कंप्लीट गाइड टू द पीपल टू हाउ टू रिस्टोर कार्स इन इंडिया। सो ये चीजें हम इधर ऑटो एक्सपो में कर रहे हैं। और सर, आपका बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली? तो कार्टिस हैज थ्री थिंग्स व्हाट वी डू। वन इज रिस्टोरेशन, the other is promoting automobile art and art culture in India, and the third is sustained by cartage, jahan par hum furniture bechte hain। to ye teen revenues pe hum log kaam karte hain, aur is cheezon pe hum aage badh rahe hain। to sir, aapke sath kitne artists filhal jude hue hain? कार्टिस एक फेस्टिवल करता है जयपुर में, जिसके आज तक हमने मोर देन 2000 आर्टिस्ट हमने बुलाए हैं। दो यात्रा हमने पूरे पैन इंडिया कर रखी है, जहाँ पर हम डाउन टू कोची तक गए हैं अपने ऑटोमोबाइल आर्ट्स को लेके ट्रकों में, और आर्टिस्ट हमारे साथ ट्रैवल करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आर्टिस्टों को अपने साथ कनेक्ट करा है, और हमारे पास रेगुलरली हमारे सोशल मीडियाज़ पर और अदर प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट कनेक्ट होते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को सपोर्ट मिल सके हमारी तरफ से। हम कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट टू ब्रिंग देम ऑल द वे। चलिए सर, फिर अब आपकी जो रीस्टोर करी हुई कुछ एक कार है, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। चलिए, हमें वो दिखाइए। परफेक्ट। सो हम इधर चलते हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। सो दिस इज कैडिलैक 1954-60 स्पेशल, ये इसका नाम है। ये उस जमाने में वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार अमेरिका में प्रोड्यूस होती थी। उस जमाने में इसमें पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज, पावर सीट्स और एयर कंडीशन आता था, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑल्सो। सो आज भी इंडिया में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज लग्जरी, बट इट वॉज देयर इन 54 ऑल्सो। सो एक तो हमने ये रिस्टोर करी है, और दूसरी हमने करी है जो इंडिया की शान रही है, किंग ऑफ रोड्स, द एम्बेसडर, द MP, वॉट एवर यू कॉल इट, दैट काली पीली टैक्सी, ये सारी जो निकनेम थे इसके, जिसको जो रोडों पे हिंदुस्तान की 50 साल चली है, एक एम्बेसडर मार्क टू 1969 की हमने रिस्टोर करी है। ये दो गाड़ियाँ लाए हैं, और इसके ऊपर हमने एक किताब लिखी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दैट book will talk about how to restore cars in India। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक वेस से डिजाइन एक कार की शेप में, यानी कि ये कार कह सकते हैं आप, एक कार खड़ी है। ये बाइक्स और जो कार है उनके वेस पार्ट से बनाई गई है। तो चलिए इसे जानते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। ये जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू एम्बेसडर विच हैज रूल्ड द रोड्स ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। ये पूरी कार हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में बनाई, और करीब 1500 इसमें डिफरेंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स लगे। और आइडिया टू ब्रिंग दिस इज टू गिव अ मैसेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जो गाड़ी 50 साल तक इंडिया पे रही, जिसने सस्टेन करा, वो गाड़ी अब रही नहीं है, लेकिन इट्स अ ट्रिब्यूट टू इंडियन ऑटोमोबाइल। सो दैट्स द रीजन वी हैव ब्रिंग इट टू ऑटो एक्सपो। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये जो कार्टिस्ट हैं, ये कारों के पार्ट्स से फर्नीचर भी डिजाइन करते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग टाइप की चीजें डिजाइन की गई हैं। कहीं स्टूल बनाया गया है, कहीं चेयर बनाई गई है, वो भी कार के अलग अलग पार्ट से। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसकी कीमत क्या रहेगी और क्या कस्टमर इसे कस्टमाइज भी करवा सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले जो आपका प्राइस फैक्टर है, प्राइस में हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि इसमें हर तरह के लोगों को कैटर करा जाए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज, एंड अभी तक जो हमने सबसे महंगा बनाया वो 5 लाख तक का बनाया है। हो सकता है कि हम और भी आगे तक जाए, डिपेंड्स ऑन द कस्टमाइजेशन व्हाट यू पीपल प्रेफर। सो ये जैसे स्टूल हैं, दीज आर नॉर्मली प्राइस्ड।
तो 500 से लेकर 5 लाख रुपए तक अभी हम कार्टेज कर रहे हैं। और तब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम फर्नीचर में जो कर रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी है। हम पुरानी चीज़ को वापस दे, इससे एम्प्लॉयमेंट क्राफ्टमैन को भी हेल्प मिलती है, आर्टिस्ट को भी मिलती है और लोकल व्यूअर्स को भी मिलती है। तो ये एक नया बिजनेस मॉडल माना जाए कि कार के खराब पार्ट्स को आप रीडिजाइन करके नए तरीके से उसका फर्नीचर बना सकते हैं, ये एक टाइप का बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल, ये बिजनेस मॉडल है टू कीप अस सस्टेन, इसका नाम भी हमने सस्टेन रखा, सस्टेन बाय कार्टिस। सो आपके व्यूअर्स कैन बाय ऑनलाइन एंड गिव अस कस्टमाइज्ड जॉब फॉर इट, थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि कार्टिस ने हमारे साथ बातचीत में हमें ये बताया कि उनके पास हर तरीके की चीजें हैं, यानी कि वो कार के वेस्ट से नई चीजें भी डिजाइन करते हैं। वो जो वेस्ट है, जो खराब होगा, जो शायद एनवायरनमेंट को भी खराब करेगा, उसको रीडिजाइन करके रिक्रिएट किया जाता है फर्नीचर के फॉर्म में, और उस फर्नीचर को आप खरीद भी सकते हैं। रिनोवेट काइंड ऑफ करते हैं पुरानी कारों को और बेहद खूबसूरती से करते हैं। इसके साथ ही ये लोग वेस्ट से कारों का मॉडल बना देते हैं पूरा का पूरा। तो ये तो कार्टिस हैं ही। अब आपको ये प्रदर्शनी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको 12 नंबर के हॉल में कॉर्नर में, क्योंकि आपने सुना होगा कि आर्टिस्ट ज्यादातर छुपे रुस्तम होते हैं, वो अपनी कला को धीरे धीरे बाहर लाते हैं। तो आपको प्रदर्शनी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 12 नंबर के हॉल में प्रदर्शनी आराम से मिल जाएगी कार्टिस, और ये आपकी नजरों में जरूर आ जाएगा। हमें तो ये बेहद पसंद आया, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।